नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप ग्रुप डी नहीं, यहाँ पर रेलवे जेई मतलब रेलवे जूनियर इंजीनियर, जिसकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और वो आ चुकी है आपकी www.employmentnews.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये न्यूज आ चुकी है, हम आपको बताएंगे आज इसके बारे में कितनी वैकेंसी है, क्या है, सारी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, रेलवे यहाँ पर देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पर आप देख रहे हो एप्लीकेशन ऑनलाइन 31/1/2019, ये लास्ट डेट है आपकी। आपके फॉर्म स्टार्ट हो रही है 2 जनवरी से, 2 जनवरी 2019 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। जेई है इसमें, जूनियर इंजीनियर तथा जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 49 पद है इसमें। यहाँ पर देखिए जेई मतलब जूनियर इंजीनियर के 13,034 वैकेंसी है तथा जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 49 वैकेंसी तथा डिपो मटेरियल जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं उसमें 456 वैकेंसी तथा केमिकल एंड ये मेटालोजिकल जो असिस्टेंट होते हैं उसकी 494 वैकेंसी, मतलब आपकी टोटल 14,033 वैकेंसी पद खाली हैं। आपके फॉर्म तो स्टार्ट होने वाले हैं, तैयार हो जाइए आप रेलवे की एक और परीक्षा के लिए। इसमें एज है आपकी 18 से 33 साल एज है और इसमें आपको वेतन मिलेगा 35,400 रुपये से, और इसमें पे प्लस होगा अलाउंस और जो एडमिशन जो कुछ भी होगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, जूनियर इंजीनियर के लिए मांगी है आपकी डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलीवेंट डिसिप्लिन्स, मतलब आपकी पद के अनुसार आपका कौन सा जेई में भर रहे हो उसके अनुसार आपकी डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद डिपो मटेरियल सपोर्ट जो सुपरिंटेंडेंट है उसमें डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एंड डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। और जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास PGDCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BCE, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BTech कंप्यूटर साइंस, डुएक बी लेवल कोर्स और 3 ईयर ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये आपकी होनी चाहिए। और हम बताते हैं इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में सारी जानकारी। सबसे पहले यहाँ चलते हैं इसमें क्या है, इसमें केमिकल जो मेटालोजिकल जो असिस्टेंट है उसमें 45% मांगा है, बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री, और स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन का आपका CVT है मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन वगैरह क्या है, इसमें दे रखा है फॉर डिटेल लेबर डिटेल CER पब्लिश्ड ऑन दी वेबसाइट ऑफ RRB, जो RRB की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी वही रहेगा। और यहाँ पर फीस की बात आती है तो 500 रुपये आपकी फीस है जनरल OBC वालों के लिए तथा उसमें 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। और इसके बाद आपके जो सेकंड ऑप्शन में आते हैं ये कैंडिडेट आते हैं SC ST और एक्स सर्विसमैन तथा वुमेन्स, इसमें 250 रुपये फीस है तथा पूरे 250 रुपये आपके एग्जाम के बाद फर्स्ट स्टेज के बाद वापस हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट डेट दे रखी है यहाँ पर 2 जनवरी 2019 से आपके फॉर्म स्टार्ट है तथा क्लोजिंग डेट है आपकी 31 जनवरी 2019, और यहाँ पर क्लोजिंग डेट नीचे और ज्यादा दे रखी है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की है 5 फरवरी, SBI चालान की है 4 फरवरी, पोस्ट ऑफिस चालान की है 4 फरवरी तथा फाइनल सबमिशन आपकी है 7 फरवरी 2019। तो ये आपकी इतनी बड़ी वेकेंसी आपकी आ चुकी है भर्ती, और यहाँ पर इतने RRB आपके दे रखे हैं। यहाँ देखिए अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, तो आपके फॉर्म अभी ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके 2 जनवरी से, आप फॉर्म भर दीजिए। हम आपको यही जानकारी बताना चाहते थे और हम सबसे पहले आपके लिए जानकारी लेके आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।